हाय डियर स्टूडेंट्स, मार्च महीने का असाइनमेंट ओपन परीक्षा का आ चुका है ना। वेबसाइट में ये डाउनलोड हो चुका है। इसके आंसर्स मैंने बनाया है। इसमें आपको दो विषय का आंसर मिलेगा, सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान। प्रत्येक वीडियो में मैंने दो दो विषय करके बनाया है। इसी प्रकार बारहवीं में भी प्रत्येक के दो विषय के वीडियो एक साथ बनेंगे। PDF के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि सारे लोगों को मैं PDF नहीं भेज सकता। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है, देखिए, प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन, प्रश्न चार, इसके आंसर देखते हैं। ये है इसके आंसर। पहला प्रश्न है अपने पाठ्य पुस्तक से, मानचित्र बनाना है, देश की राजधानी को बताना है, कर्क रेखा को बताना है, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल देखिए इसमें लिखा हुआ है। ये मार्केट में उपलब्ध होता है ऐसा नक्शा, आप अपने फ्रंट पेज में इसको चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लगा लीजिएगा फ्रंट पेज में इसको, और ऐसे सारे चीज़ को दर्शा देना। प्रश्न दूसरा, जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखिए चार उदाहरण है ये। इसको वीडियो पॉज कर करके वीडियो से ही आप नोट कर सकते हैं, PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, देखिए ये रहा प्रश्न तीसरा आपका, है ना। भारतीय कृषि के समक्ष किन्हीं चार प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना है। इसके आंसर मैंने प्रिंटेड सीधे पुस्तक से गाइड से दिया है ना। ये इसके आंसर है। ये है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ना, चौथा। ये यहाँ पर प्रश्न, चारों प्रश्न का क्रमांक आप मिलान कर लेना। ठीक है, यही है इसके आंसर, प्रिंटेड में है, आराम से साफ साफ लिख सकते हैं। संवैधानिक उपचार वाला प्रश्न है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है पांचवा। पांचवा प्रश्न का आंसर है स्थानीय निकाय। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ये पांचवा का है। ठीक है, स्थानीय निकाय जरूरी क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रिंटेड में है, आराम से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद अपन करते हैं गृह विज्ञान का, होम साइंस। देखिए होम साइंस का ये रहा गृह विज्ञान 216। इसमें भी पांच क्वेश्चन दिए गए हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर से चलाए जाने वाले रोजगार के अवसर, आलू चिप्स बनाने की विधि, प्राथमिक उपचार क्या है, दाग क्या है, मिलावटी सामान की खरीद। तो इसके आंसर भी देखते हैं। हाँ देखिए, पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार तथा स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों की सूची। तो इस प्रकार से सूची बनाएंगे आप अपनी कॉपी में, ऐसे कॉलम बनाकर, है ना। कोई चार रोजगार का नाम देना है। तो यहाँ पर एक कैटरिंग हो गया, खाद्य संरक्षण, बेकरी वाला दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, तो एक और ये दो हो गया। ठीक, आगे देखिए ये तीन और ये चार, चार नंबर के सवाल है, चार आपको पॉइंट देने हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरा क्या है, आलू चिप्स बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो आलू चिप्स कैसे बनाते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पर लाइन से दिया हूँ मैंने, निम्नलिखित तरीके से आलू चिप्स बनाए जा सकते हैं। सफ़ेद आलू को घर में छीलकर चिप्स कटर से काट लेना है, रात भर के लिए पानी में डुबा कर रखना है। सारी बातें लिखी हुई है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। सात पॉइंट में है, सातों को नोट करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न तीसरा, प्राथमिक उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार के नियम लिखिए। ठीक है, प्रश्न तीसरा है आपका। तो ये सारे आंसर्स को आपको लिख देना है। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगी बातें, ये सारे को नोट कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न दाग हटाने की दो तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न एक तो लिखा है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना आप। ठीक है, सही क्वेश्चन नंबर आप लिख देना। ठीक है,
जिसके आंसर भी है चित्र सहित। चित्र नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ये सारे आंसर बुक के हैं, बुक से आपको बनाना है ताकि एक भी नंबर ना कटे, है ना। स्पीजिंग सोखना, डुबो कर रखना, ये विधि है दाग को हटाने का। इसके बाद है प्रश्न 5, मिलावटी सामान की खरीद से बचने के लिए आप क्या सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सुरक्षा के उपाय बताया गया है 4 पॉइंट, इसमें से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका होम साइंस का।